the mic and make sure it sound right, boys. भैया धूप धीरे धीरे करके ना बढ़ती जा रही है रायपुर में भी, अब यहाँ पर भी करीब करीब 35 से प्लस ही जा रहा है। और अभी हम हैं कमल विहार रायपुर में, ये कमल विहार कॉलोनी है और यहाँ पर हम आए हुए हैं एक मोटरसाइकिल को लेकर, जिसका शूट अपन उस साइड में कर रहे हैं। अभी विवेक भैया लगे, मैं तो कर चुका हूँ, प्रशांत भैया भी कर चुके, अब बचे हुए हैं विवेक भैया, वो अपना निपटा रहे हैं। एंड लोकेशन यार काफ़ी प्यारी है, मतलब इससे पहले एक बार मैं बस आया हूँ कमल विहार, ये मेरा सेकंड टाइम है और सेकंड टाइम में यहाँ पर जो लोकेशन है काफ़ी बेहतरीन है। बट यहाँ पर जो शोरूम्स है वो काफ़ी लिमिटेड है, जैसे कि यहाँ पर बजाज है, होंडा है और एक ही दो शोरूम है जहाँ पर अपन जाते हैं शूट के लिए। तो ऐसे में यहाँ पर बजाज की हम मोटरसाइकिल आज लेकर आए हुए हैं जो कि वहाँ पर खड़ी हुई है। तो आज हम आपको दिखाएंगे बजाज की पल्सर F250 का ब्लू कलर, जो कि मेरे ख्याल से उनका रिव्यू हो गया। तो चलो फटाफट से आपको बाइक भी दिखाते हैं कि कैसी लग रही है मोटरसाइकिल, क्या मतलब एक्सपीरियंस रहा। मैंने ये मोटरसाइकिल वैसे चलाई है, एक बार नहीं तीन चार बार चला चुका हूँ, तो तीन चार बार में तो मैं आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस बता सकता हूँ इस मोटरसाइकिल के साथ में। F250 बेसिकली देखा जाए तो जो 220F आती थी इनकी, इसको डिसकंटिन्यू करके इन्होंने F250 को वापस से, मतलब वापस नहीं, न्यू लॉन्च किया है, वापस नहीं बोल सकते, न्यू लॉन्च किया है। एंड ये जो मोटरसाइकिल है 250cc इंजन के साथ में 24.5 PS की पावर और 21.5 Nm का टॉर्क मिल जाता है, तो पावर वगैरह के मामले में भी ठीक ही है, कोई समस्या नहीं है। आज जो हमारे पास जो कलर है ये है ब्लू कलर, ये मतलब ब्लू कलर अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने टेक्नो ग्रे और रेड जो कलर है वो दिखाया हुआ है रिव्यू चैनल पर भी, और मेरे ख्याल से इस चैनल पर भी मैं डाल चुका हूँ पहले, भूल जाता हूँ यार, बहुत सारा वीडियोस बनाना रहता है। तो अभी आपको मैं ये वाली जो मोटरसाइकिल है वो दिखाता हूँ। और यहाँ पर प्लेन देखो किस तरीके से यू टर्न ले रहा है, जूम हो जाए भाई, आईफोन रहता तो काफ़ी अच्छा फुटेज आता, कैसे भी है एक नंबर फुटेज आता, बहुत ही आईसाइट सुकून दे रहा है। और आज ना देखा जाए तो धूप कम है तो मज़ा भी आ रहा शूट करने में। बाकी भैया आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो, बताओ। वैसे कोई जरूर, मतलब ये फॉर्म है पहचान जाए, क्योंकि ये तो अपन ब्लॉग चैनल पे डालेंगे, कभी भी आया तो कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, कर सकते नहीं करना है नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अभी विवेक भाई अभी लगे हुए, और ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्यारी है। मैं मतलब ये सेकंड टाइम आया हूँ, एक बार एवनिस लेके आया था और ये आज ये लेके आया हूँ। यही लोकेशन पे? नहीं ये नहीं, पीछे वाली, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, स्काई विलास जस्ट बगल में है और यहाँ पे हम गाड़ी लेके खड़े तो ये है बजाज की पल्सर F250 का एक और नया कलर जिसको ब्लू कलर बोला जा रहा है। प्राइस की बात की जाए तो इसकी जो ऑन रोड रायपुर की प्राइस है ये करीब 1,65,000 रुपीज़ की होने वाली है। इंजन से ही शुरुआत करते हैं तो इंजन इसमें मिल जाता है 249.07 cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 2-valve SOS यानी सिंगल ओवर हेड कैमशाफ्ट के साथ में आता है। ऑयल कूल्ड FI मोटर मिल जाता है, एयर प्लस ऑयल कूल्ड है। पावर इसमें 24.5 PS की मिल जाएगी और टॉर्क इसमें 21.5 Nm का मिल जाता है। ये 5-speed गियरबॉक्स सेटअप के साथ में आती है। माइलेज करीब आप इससे 30-35 km तक की आराम से उम्मीद कर सकते हो। स्लीपर क्लच भी आ जाती है। टॉप स्पीड इस मोटरसाइकिल की 130+ km की होने वाली है, यानी 130 km/h की प्लस की भी यहाँ पर टॉप स्पीड इसमें देखने को मिल जाएगी। ये बेसिकली देखा जाए तो सेमी फेयरिंग मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल रिप्लेस करती है 220F को। यहाँ पर एक बार आप साइड से एक बार मोटरसाइकिल को देख लो, ये ब्लू कलर अभी आप इंडियन मार्केट में नया देखोगे। जो हेडलैम्प सेटअप है ये LED आ जाता है,
एलईडी प्रोजेक्टर सेटअप में आता है। यहाँ पर एलईडी डीआरएल और जो इंडिकेटर्स हैं ये भी एलईडी में आ जाते हैं। फ्रंट ब्रेकिंग में 300 mm की डिस्क प्लेट आ जाती है। ग्रेमिका के डुअल पिस्टन कैलिपर्स आ जाते हैं। सिंगल चैनल ABS आ जाता है। टायर सेक्शन की बात की जाए तो इसमें 100x80 सेक्शन के टायर मिल जाएंगे 17 inch के अलॉय व्हील में। इंजन बैली इसमें डुअल टोन कलर में आ जाती है। ऑटो सेंसर कैटलेटिक कन्वर्टर यहाँ पर नजर आ जाएगा। अब बात करें इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में तो इसमें 14 liter की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है जो कि डिसेंट है। और यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी मिल जाती है। स्विचेस वगैरह की बात की जाए तो स्विचेस कुछ इस टाइप के रहेंगे। यहाँ पर भी वाइट कलर की जो बैकलाइट है जलती हुई नज़र आएगी। इंजन किल स्विच, इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, क्लिप ऑन में इसमें हैंडल बार आ जाते हैं। बाकी इसकी जो चाबी है ये भी आप एक बार देख लो, इसमें वेव की मिल जाती है। और जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ये सेमी डिजिटल में आ जाता है। कुछ इस टाइप का इसमें इंटरफेस आपको नज़र आएगा। यहाँ पर RPM गेज एनालॉग में आता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, स्पीड मीटर आ जाता है। यहाँ पर देखते हो तो ट्रिप 1 ट्रिप 2 यहाँ से देखते हैं, और ओडोमीटर की मेन रीडिंग, डिस्टेंस टू MT, फ्यूल मीटर आ जाता है और ये रियल टाइम भी बताता है। और यहाँ पर साइड्स में देखते हो तो ढेर सारी वार्निंग लाइट्स भी दी गई है। लेफ्ट साइड के स्विचेस में आए तो लेफ्ट साइड में हॉर्न मिल जाता है, एक बार सुनते इसका हॉर्न। इंडिकेटर, लो हाई बीम पासिंग की स्विच यहाँ पर नज़र आ जाती है। और जो सीट है ये स्प्लिट में आ जाती है। सीट काफ़ी अच्छी, मतलब इसमें कम्फर्ट एंड कुशनिंग देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी कंफर्ट एंड कुशनिंग है। मैंने इस मोटरसाइकिल को चलाई हुई है तो मुझे काफ़ी अच्छा और काफ़ी कंफर्टेबल लगा। क्लिप ऑन दिया हुआ है, क्लिप ऑन होने के बावजूद में भी ये मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है कंफर्ट के मामले में। ओपन चैन कवर आ जाता है। चैन को आपको हर 400 km पर क्लीन एंड ल्यूब करना होगा। और जो टायर वगैरह है ये दो पार्ट में आपको डिवाइडेड देखने को मिल जाता है। F250 की यहाँ पर ब्रांडिंग नज़र आ जाएगी। और जो ग्रैब रेल है ये स्प्लिट में आ जाते हैं। बाकी जो टेल सेक्शन है ये LED में आ जाता है। जो टेल लैंप है ये LED में है। इंडिकेटर्स यहाँ पर LED में आ जाते हैं। टायर सेक्शन रियर के बता दूँ तो यहाँ पर 130x70 सेक्शन के मिल जाते हैं 17 inch के अलॉय व्हील में। रियर में भी डिस्क ब्रेक है, 230 mm की डिस्क प्लेट है, लेकिन ये सिंगल चैनल ABS के साथ में आती है। रियर सस्पेंशन में मोनोशॉक एब्जॉर्बर आ जाते हैं। बाकी इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो मैं आपको सुना देता हूँ। कैसा लगा एग्जॉस्ट नोट कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। किक का ऑप्शन इस मोटरसाइकिल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी जल्दी जल्दी आपको बताया बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत क्विक रिव्यू देखना चाहते हैं, तो इस वजह से मैंने क्विक रिव्यू इस चैनल पर बना के आपको दिखा दिया। बाकी कैसी लगी ये मोटरसाइकिल कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा।